बिटिया, आपने 51 ब्राह्मणों का भोज रखकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। आजकल ऐसा कौन करता है? बस इन ब्राह्मणों के बैठने की व्यवस्था करवा दीजिए। जी, मैं अभी आई। चटाइयाँ ले आओ। मम्मा, लेकिन हमारे पास उतने कारपेट्स और चटाइयाँ नहीं है। कुछ भी है वो ले आओ। चदरें, चटाइयाँ, पर्दे, जो कुछ भी है। गो। ओके, हम चलो। पंडित जी। जी। जरा आप, मुझे आपसे बात करनी है। जी बोलिए। आप मेरे साथ अंदर आइए। आइए। चलिए। तो जानते ही हैं कि मेरे पति की 13वीं की पूजा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितने मायने रखती है। पर बात यह है कि मुझे लगा था कि केवल 6 ब्राह्मण पूजा के लिए आएंगे। आज तो 51 ब्राह्मण आए हैं। बिटिया, पूजा तो केवल 4 ब्राह्मणों के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये रुद्र बाबू के विशेष आग्रह पर 51 ब्राह्मण न्योते पर आए हैं और इनमें से कई ब्राह्मण अपने यजमान की पूजा छोड़कर आए हैं। रुद्र के कहने से? अब मेरा मतलब है शायद रुद्र के कहने में कोई गलती हुई हो। गलती मेरी तरफ से हुई है। मैंने रुद्र से पूछा नहीं था कितने ब्राह्मण आने वाले हैं। क्षमा कीजिए। अब समस्या यह है कि घर में गैस नहीं है। रुद्र गैस सिलेंडर लेके आने वाला था, पर अभी तक वो पहुंचा नहीं। जब तक गैस नहीं आता मैं खाना नहीं पका सकती। तो बताइए अभी क्या करना है? अब आप चिंता मत कीजिए। मैं किसी अच्छे से भोजनालय से खाने का प्रबंध करती हूँ। स्नेहा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण केवल घर में बना हुआ शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करते हैं, और फिर ये तो ईश्वर का प्रसाद है। नहीं, आप भोजनालय से भोजन ही मंगवा सकती हैं। पंडित जी, आप ही कोई हल बताइए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, आप एक काम कीजिए। आप मिठाई, पूड़ी, पकवान भूल जाइए। आप किसी भी तरह से अपने घर में खिचड़ी बनवा दीजिए। खिचड़ी? प्रसाद के रूप में वो खिचड़ी खा करके हम सारे ब्राह्मण तृप्त हो जाएंगे। बस आपके घर में बनी हुई खिचड़ी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरी दुविधा आपने समझ ली, उसके लिए धन्यवाद। मैं रुद्र से अभी बात करती हूँ, पता कराती हूँ गैस कहाँ तक पहुँची है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं कुछ न कुछ हल ढूंढ लूंगी। आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए, अन्यथा 13वीं के पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अब पंडित जी, ये पूजा होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी आई। जी, आप चलिए। आइए, चलिए। मॉम, अब क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा रच्चू। हमें लगा सिर्फ 5 ही पंडित आएंगे, पर देयर आर 51 पंडित्स। आई नो। मैं ना जाके राशन ले आती हूँ मामा। पर पहले हमें सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये रुद्र कहाँ रह गया? चल ना, केक काटते। अभी नहीं, हमारे बापूजी का फोन आने वाला है। उनसे बात करने के बाद ही हम अपना केक काटेंगे। लगता है फोन आ गया। अम्मा, फोन क्यों रख दिया? क्या बोला उन्होंने? दोबारा करेंगे फोन? क्या है ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी और ऋषि चाचू को ना मुंबई में एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा। काम में फंस गए ना बेटा। बाबूजी तो हमेशा ही काम में फंस जाते हैं। पहले हमसे झूठ बोले कि बनारस आएंगे, फिर बोले कि नहीं आ सकते। क्या उनके पास इतना सा भी समय नहीं है कि कम से कम हमें फोन पे बधाई दे दे? जब देखो तब ऋषि अंकल के साथ रहते। हमें नहीं मनाना अपना बर्थडे। रुद्र, तुम अभी तक गए नहीं? आज तो ऋषि भैया की 13वीं है ना, काहे नहीं गए? यहाँ क्यों बैठे हो? देखो बेटा, हम तो आ नहीं पाएंगे, ये बात तुम भाभी को जरूर बता देना। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे बाबूजी के लिए पूजा रखी है और 7-8 दिन तक वो पूजा चलेगी। तो पंडित जी कह रहे थे कि हम किसी भी कर्मकांड में भाग नहीं ले सकते। बेटा वैसे सब काम ठीक से हो गया है ना? हाँ माँ, वो सारे काम ठीक से हो गए। बहुत अच्छी बात है बेटा। जैसे तुम्हारे बाबूजी ने ऋषि भैया जी का साथ दिया, ऐसे तुम भी उनके परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ये सुनकर मन में बहुत तसल्ली होती है बेटा। बस तुम उनका ख्याल रखना। हाँ माँ, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हम उनका। तो क्या है कि शिकायत का मौका नहीं देंगे। स्नेहा जी, पूजा का समय हो चुका है, अब और अधिक देर करना ठीक नहीं है। बेचारे ब्राह्मण सब बेचैन हो रहे हैं। अरे जजमान, अभी कितना समय लगेगा? क्यों इतना विलंब हो रहा है? 5 मिनट और पंडित जी। ठीक है, 5 मिनट में ही हम पूजा शुरू करते हैं। रचिति, अब जल्दी बताइए ना कि हम लोगों को करना क्या है। क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ नहीं सोच रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे डैड की 13वीं, इतना इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए। मुझे लगा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक काम ठीक से नहीं हो रहा, एक काम ठीक से नहीं हो रहा। कैसी वाइफ हूँ मैं, कैसी मम्मा। आई एम सच अ फेलियर। सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। ऐसा क्यों बोल रहे मम्मा आप? मैं एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। मम्मा आप सब ठीक कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हम हैं ना आपके साथ। मम्मा, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप प्लीज पहले जाके पूजा करिए, है ना? हाँ मॉम। रज्जू, क्या कह रही हो तुम? तो मैं कैसे जाऊँ पूजा में? क्यों? प्रसाद का एक दाना नहीं है। पंडित जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि खिचड़ी बना दो घर पे, वो भी मुझसे नहीं हो रहा। प्लीज देखिए, बाहर जा सकती। इस समय ये सब सोचने का टाइम नहीं है। समय हो गया, विलंब हो रहा है। पंडित जी जल्दी कीजिए, बुलाइए ना, विलंब हो रहा है। स्नेहा जी, आप पूजा शुरू करवाइए। मम्मा आप प्लीज पूजा में जाके बैठिए। कैसे जा सकती? जैस, यू आल्सो गो। अब उठिए। और आप हार नहीं मान सकती ना मॉम, ठीक है? सुपरमैन के लिए आई है ना मॉम। गैरब कम प्लीज, उठिए चलिए। प्रसाद की टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। हाँ, कम ऑन, सब कुछ करेंगे। कम हाँ? पंडित जी आप पूजा शुरू कर दीजिए। जी, पुष्प लीजिए। जी। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रामा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवा। रचिति, पूजा स्टार्ट हो गई। मॉम के सामने ब्रेव बन के तो बोल दिया कि आराम से पूजा में बैठ जाओ, हम सब कुछ संभालेंगे, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि अब करें तो क्या करें। अमू जल्दी बताओ। लगता है जैस ठीक ही कह रही थी, जब से आए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और ये रुद्र अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम क्या करें? चाची जी, ये पूजा कितनी देर में खत्म होगी? कोई आइडिया है आपको? हाँ हाँ, आई डोंट नो, मे बी इन अ आवर और समथिंग, 1.5-2 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली। आई डोंट नो अमू यार। आप हवन जला के अग्नि में आहुति दें। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। अमू, हाँ हम एक काम करते हैं ना, हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वासे हाँ, आप ग्रोसरीज लेके आए थे ना? हाँ। कल तो आप ग्रोसरीज लेके आओ और मैं सिलेंडर का कुछ सॉर्ट आउट करूंगी। और देखना पड़ेगा कि कैसे। एक मिनट वेट, सिलेंडर कैसे लाएगी? रचिती वो मैं देख लूंगी, लेकिन प्लीज अभी आप चाहिए ग्रोसरीज लेके आइए, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पिछली बार 5-6 लोग के लिए लाई थी, तो इस बार 10 करना पड़ेगा। करेक्ट, 5 10। प्लीज अब जाओ जल्दी से। पर हमू पैसे भी 10 गुना ज्यादा लगेंगे ना। रचिती जितना हमें बॉम ने दिया है वो सब ले जाओ, लेकिन प्लीज जल्दी जाओ भी। ओके ओके, हम गोए हम गोए। ओम कुलदेवे नमः स्वाहा। ओम कुलदेवे नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया भैया कहा है? अल्लाह काट रो बे। भैया दिया सिलेंडर। कहा कि 12 बज गया, अब 13वीं के ब्राह्मणों का भोजी बनाना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेंडर सही समय पे मिल गया, तो भैया हम देके आते हैं। दादा अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, उनको जितनी जल्दी सिलेंडर चाहिए ना मिलेगा उतनी ही देर। हवेली नहीं, हरीश बाबू के यहाँ रखवा। हम खुद छोड़ाएंगे माथुरों के यहाँ सही समय आने। पर गुरु आप तो कह रहे थे कि 3 बाप की बेटियां हैं और अकेली विधवा, पूरे शहर में कोनो जान पहचान नहीं है, तो गुरु काहे ये सब कर रहे हो? हमरे बाप के होते हुए भी सारा जीवन हम अनाथ की तरह काटे, और हमारी माँ सुहागन होते हुए भी हमारी माँ को सारा जीवन पति का साथ नहीं मिला। किसके कारण हुआ? ये वो ऋषि माथुर और उसके परिवार के कारण हुआ। तो दर्द हम झेले हैं, वो दर्द वो झेलेंगे। तो भैया छोड़िए ना ये सब, सीधे चौचक बदला लीजिए। ये पीठ पीछे आपको शोभा नहीं देता है। तुमको क्या लगता है बे हमें अपना खुशी से कर रहे हैं? अबे कोई और होता तो अब तक पेटुआ दबाए दिए होते। ये हमारी अम्मा भी ना, हमारी अम्मा कोई बात पता ना चलने पाए। हमारी अम्मा को अगर पता चल गया तो हमको ऐसा करने नहीं देगी, और तो दुख होगा उनको। सामने से मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और पीछे से धक्का मारेंगे। ऐसा हाल करेंगे कि ऊपर बैठी ऋषि माथुर की आत्मा भी कांप उठेगी, समझे? पता था ये छोटी सी चीज सिलेंडर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन सिलेंडर कहां से लेके आऊं? एटम, ओह यस, एटम। ये मोरन यहाँ क्या कर रहा है? एटम के साथ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे तुम्हें पता है ना कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ हमको पता है, सब पता है। अब क्या करूंगी मैं? पॉजिटिव सोचो अमाया, कि एटम यहाँ बाहर ही मिल गया। पर ये इडियट क्यों आ गया? कहीं इसने चोरी ना पकड़ ली हो पिछली की। बस यही घर है उसका। अरे गुरु कल इसी दरवाजे पे तो हम जोरों से खटखटाए थे। अरे चाकू के साथ कराटे वाली लड़की निकली थी। बी पॉजिटिव and be brave। लो मैडम जी इज हियर हरसेल्फ। अब बोलो, लाया है ना सही जगह पे? अब खुद ही पूछ लो। देखो देखो कैसे चोर की तरह बच के निकल के जा रही है। एक काम करती हूँ, डायरेक्टली एटम से पूछती हूँ। एटम, वो तुमसे कुछ काम है, प्लीज इधर आओगे? अरे मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। हेल्प? अगर मेरी हेल्प चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए। पर मुझे तुमसे काम है ना एटम, प्लीज प्लीज हेल्प कर दो। वो भी उन्हीं से पूछ लीजिए। कि उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, क्या लगा रखा है? मैडम ये ना बनारस है और यहाँ पर काम एकता से होता है। ये भी डाल देना उसमें। देखिए ये सारे पैकेट ना इसमें सीधे होने चाहिए, वरना फट भी सकते हैं। जी बेटा, हमारी दुकान में सब कुछ मिल गया ना? हाँ अंकल। अच्छी बात। रामाज रे, तो साबुन का स्टॉक खत्म होने को आया है। कल सेल्समैन आया था, ऑर्डर दिया कि नहीं? ओ महाराज, काम हाथ से करे हो, कान तो खाली है सुनने के लिए। ऑर्डर दिया कि नहीं? श्यामू आएगा, आप उसी से पूछ लीजिएगा, उसे सब पता है। अच्छा जी, श्यामू से पूछ लूं? तो ऐसा करता हूँ, दुकान का मालिक भी उसे बना देता हूँ, क्योंकि तुझे तो कुछ पता होता नहीं। हाँ, श्यामू को ही मालिक बना दीजिए। कम से कम हम अपनी सरकारी नौकरी की पढ़ाई तो पूरी कर पाएंगे। क्या बड़बड़ा रहा है, ऊंचा बोल, मैं भी तो सुनूं। देखिए ये सब है ना मैं संभाल लेती हूँ, आप प्लीज वो अपने डिलीवरी गाय को देख लीजिए आया क्या नहीं आया, मुझे बहुत लेट हो रहा है। जी वो डिलीवरी देने ही गया, बस 3-4 डिलीवरी थी, आता ही होगा। अच्छा। अरे बेटा थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, आपका सामान घर पे पहुँचा देंगे ना। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। देखो एटम गुरु, एक बात तो बताओ, अरे अपनी मैडम को हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? अरे अभी तक तो पांडे जी की बहस भी समझ जाती कि हमारी परमिशन के बिना तुम इनकी मदद नहीं करोगे। तुम यहाँ के डॉन हो, कोई किंग हो, क्यों मांगो तुम्हारी परमिशन? देखो मैडम, हम क्या है क्या नहीं है वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों के काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? काम तो बहुत है हमारे पास मैडम। अरे नंबर 1 टूरिस्ट गाइड हम बनारस के, लेकिन फिर भी सारा काम छोड़ के तुम्हें ढूंढ रहे हैं 2 दिन से। कल तो तुम जैसे तैसे बच गई, लेकिन आज एटम ने तुम तक पहुंचा दिया। अब पहले हमारा काम निपटेगा। तुम 2 दिन से मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? पुलिस में कंप्लेंट करूंगी ना, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा। ये लो अभी नंबर मिटाओ, फिर देखते हैं कौन किसको पकड़ता है। देखो टाइम नहीं है मेरे पास, तुम जाओ यहाँ से। हमारे पास भी नहीं है टाइम। तो जाओ ना फिर। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें मैडम? मतलब ये कि वो केतली लौटाओ, फिर हम चले जाएंगे। केतली? क्या बोल रहे हो? वाह मैडम, बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। चाय वाले की केतली जो तुमने लेकर घर में रखी है। देखो ये फालतू बातें मुझसे मत करो, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और प्लीज प्लीज मुझे सिलेंडर चाहिए, बहुत अर्जेंट है। देखो जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं उतने दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मैडम यार। मोक्ष वेरी इजी, पर गैस सिलेंडर वेरी टफ। नो आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, प्लीज ऐसा मत। लेकिन हाँ, एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। हाँ। He's very good in doing things, you know, जुगाड़ू आदमी। टाइम कम हो, प्रॉब्लम बढ़ाओ, ये कर सकते हैं। सुनो हम ऐसे बातें कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ चलती है या फिर सच में कुछ कर भी सकते हो, सिलेंडर दिलवा सकते हो। सिलेंडर तो हम 10 दिलवा दे मैडम, लेकिन पहले हमारी केतली लौटाओ। देख रहे हो मैं किस सिचुएशन में हूँ, कितनी टफ सिचुएशन है अभी, और तुम केतली 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 लगा रखा है। इतने में क्या जरूरी है केतली? वो केतली में चाय वाले के इमोशन जुड़े हैं मैडम, इसीलिए पहले हमें केतली चाहिए। ओके, समझ गई कि वो केतली बहुत जरूरी है, दे दूंगी। तो जाती हुई देखो ना, केतली लेके आओ। लेकिन अगर केतली लौटाने पे तुमने मेरा काम नहीं किया तो? और अगर काम करवा के तुमने केतली ना लौटाई तो? कोहिनूर तो हीरा है क्या? केतली तो है। दे दूंगी, घर देखा ना, कहीं नहीं भागूंगी। पक्का तुम्हारी केतली लौटाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी पहला मेरा काम करो, प्लीज हेल्प कर दो। फिर से बोलो। क्या? प्लीज। प्लीज। चलो ठीक है। एटम, मदद करते हैं इनकी, ये भी क्या याद रखेंगी। तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।